सावन में ही क्यों की जाती है भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव की पूजा वैसे तो हमेशा ही फलदायी मानी जाती है, परंतु साल भर में एक महीना ऐसा भी है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जी हाँ, यह महीना सावन का महीना है, जिसका आगमन इस वर्ष होने ही वाला है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से सावन के महीने में शिव जी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप सबके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सावन माह में ही शिव जी की विशेष पूजा क्यों होती है। दरअसल यह तो हम सब जानते ही हैं कि माता सती ने भगवान शिव को हर जन्म में पाने का प्रण किया था, और जब वे अपने पिता राजा दक्ष के घर यज्ञ में सम्मिलित होने गई, तो अपमान होने के कारण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद उनका जन्म हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में हुआ। माता पार्वती ने सावन के ही महीने में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और कुछ समय पश्चात उनसे विवाह किया था। इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना विशेष प्रिय है। सावन के महीने में ही कई व्रत किए जाते हैं जो सुहाग के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे मंगला गौरी और कोकिला व्रत। मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सावन के मंगलवार को रखा जाता है। इस व्रत को करने पर माता पार्वती का आशीर्वाद मिलने से घर में सुख शांति का वास होता है और सुहाग को लंबी उम्र भी मिलती है। एक और मान्यता के अनुसार सावन के महीने में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का सेवन किया था। साथ ही सावन में ही पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल आए थे। उनका उस समय जोरदार स्वागत हुआ था। इसलिए इससे जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल यानी पृथ्वी लोक जरूर आते हैं। एक और कथा के अनुसार सावन के महीने में ही मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने शिव जी की कठोर तपस्या से वरदान प्राप्त किया था, जिससे यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। अभी के लिए बस इतना ही। आने वाले सावन महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।